रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और हलक, सांस की नाली यानी ट्रेकिया, तनफ्फुस के उजलात और फेफड़े शामिल हैं। क्या आप अपनी किताब में से देखकर बता सकते हैं कि कौन से ऑर्गन सांस और खुराक की नाली को अलग करते हैं? जी हाँ बच्चों, ये एपिग्लॉटिस है। हमारी हलक में दो नालियाँ होती हैं, एक खुराक के लिए और दूसरी सांस के लिए। ये एपिग्लॉटिस ही है जो चीजों को सही रास्ते पर नीचे जाने की इजाजत देता है। जब हम कोई चीज खाते या पीते हैं तो एपिग्लॉटिस सांस की नाली को ढांप देता है। आइए किताब से मुतालिया करते हैं। नाक और हलक, नोज एंड थ्रोट। हवा हमारी नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होती है। हमारी नाक में हवा को साफ करने, नमदार करने और गर्म करने के लिए बाल और म्यूकस होता है। म्यूकस चिपकने वाला माया है। हवा में मौजूद जरासीम और गर्दोगुबार के जरात म्यूकस से चिमट जाते हैं। हवा हलक से होकर लैरिंग्स में दाखिल होती है। आवाज पैदा करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स में मौजूद होते हैं। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। यहाँ गॉल ब्लैडर मौजूद है और यहाँ ये खत्म हो गया। मेरा मतलब हमारा गोल मुकम्मल हो गया है। नर्व, इस पार्ट के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या है? फिफ्थ एनुअल बॉडी लंग रेस। जो लोग फर्स्ट आएंगे वो इनाम जीत पाएंगे। सरप्राइज ग्लोरी हम दोनों के लिए सरप्राइज है। अगर टाइम होने वाला है तो रेस 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए। नर्व रेस के लिए हमेशा रेडी रहता है। ग्लोरी भी। चलो रेस ट्रैक की तरफ चलते हैं। हम एंड टाइम पर पहुंच गए हैं। वो बस शुरू करने वाला है। किडनीज हमेशा लीड में रहती हैं और आईबॉल्स सालों से पीछे रहते हैं। हम लंग्स के पास हैं और मरने वाली हालत में हैं। हाँ, रेसिंग, वर्किंग और ब्रीदिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तुम इसलिए सांस मुश्किल से ले रही हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है जिसे सांस लेते हैं। जब तुम मुश्किल से सांस लेती हो तुम्हारे लंग्स को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत होती है और तुम्हारा दिल पूरी बॉडी से ऑक्सीजन हासिल करने के लिए तेजी से धड़कता है। चलो वहाँ चलते हैं। क्या हम जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम खास तौर पर लंग्स में जा रहे हैं। आह, ये कितनी बुरी जगह है। यहाँ हर जगह बूगल्स हैं। ग्लोरी चलो यहाँ से चलते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो हवा आपके नाक में आती है और फिर विंड पाइप के जरिए गुजरती है जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया के एंड पर दो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। उन्हें सांस लेने के लिए दो बड़े ऑर्गन्स की जरूरत होती है जिन्हें लंग्स कहते हैं। एक ब्रोंकस बाएं फेफड़े की तरफ जाता है और दूसरा दाएं तरफ। लंग्स आपके चेस्ट मसल के जरिए हवा अंदर लेकर जाते हैं और एक डोम की शक्ल का डायफ्राम जो कि लंग्स में होता
होता है। जैसे आप सांस अंदर लेकर जाते हैं तो आपका डायफ्राम सुकड़ता है और फ्लैट हो जाता है, जिससे ये नीचे आ जाता है, लिहाजा आपके लंग्स हवा के भर जाने पर मजीद फैल जाते हैं। ओह, यानी जब आप एक्सहेल करते हैं तो हर चीज रिवर्स होती है और हवा अंदर जाने की बजाय बाहर निकल आती है। बिल्कुल, चलो हम यहाँ चलते हैं। नर्व ये लंग है, ये भी एक दूसरा सेटअप है। लंग्स में टनों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जो कि बाल की मोटाई के बराबर होती हैं, और उनका एंड का सिरा उनसे अगले सिरे पर वाके होता है। अब हम यहाँ आ गए हैं। नर्व, हम कहाँ आ गए हैं? एल्वोलाई, जो कि जादुई दुनिया है। ये वो जगह है जहाँ मैजिक होता है। जो ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं वो खून में जज्ब हो जाती है। एल्वोलाई और हवा के छोटे छोटे सैक्स हर ब्रोंक्यूल में तकसीम हो जाते हैं, और लंग्स तकरीबन 600 मिलियन एल्वोलाई होती हैं। हर एक मैश की तरह की कवरिंग होती है और बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ऑक्सीजन खून में एल्वोलाई के जरिए छोटी कैपिलरीज में जाती है, जो कि उनके गिर्द मौजूद होती है। फैंटास्टिक। हाँ, बिल्कुल। अब हम रेस लगाते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक्सहेलिंग का प्रोसेस बताऊंगा। जब आप सांस लेने की बजाय सांस बाहर निकालते हैं तो बहुत अहम गैस जो हवा में होती है वो ऑक्सीजन है। हर बॉडी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो लंग्स में मौजूद होती है। आपकी बॉडी हवा से ऑक्सीजन लेती है और इससे ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। जब आपका दिल पंप करता है तो ऑक्सीजन से भरपूर खून पूरे जिस्म में जाता है। फिर प्रोसेस उसके उलट होता है। सांस बाहर निकालने के दौरान आपकी बॉडी CO2 गैस खारिज करती है, जो कि वेस्ट है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं होती। CO2 ब्लड स्ट्रीम के जरिए लंग्स में जाती है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। नर्व, हम रेस में बहुत पीछे रह गए हैं। परेशान मत हो, अब हम तेज तेज भागते हैं। हाँ, हम भाग रहे हैं, हम जीतने वाले हैं। हम जीतने वाले हैं, याहू, हमने जीत लिया। क्राउड हमारे सामने है, लेकिन हर कोई इतना खामोश क्यों है? नर्व, हम 45 मिनट पहले ही रेस जीत चुके हैं। ओह, आइए किताब से मुतालिया करते हैं। ट्रेकिया या सांस की नाली। ट्रेकिया, हवा लैरिंग से गुजरकर ट्रेकिया यानी सांस की नाली में चली जाती है। हमारी सांस की नाली सी शक्ल की कार्टिलेज की हलकों से बनी होती है। ये हलके यानी रिंग्स हमारी सांस की नाली को खुला रखते हैं। ट्रेकिया में मौजूद म्यूकस और नन्हे मुन्ने बाल भी हवा को साफ करते हैं। ब्रोंकाई और फेफड़े, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाता है, जो ब्रोंकाई वाहिद ब्रोंकस कहलाती है। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हमारे फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम तरीन ऑर्गन्स हैं। हर फेफड़े में ब्रोंकस मजीद छोटी नालियों में तकसीम होता है, जो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। हर ब्रोंक्यूल के सिरे पर नन्नी मुनी हवाई थैलियां मौजूद होती हैं, जो एल्वियोलाई कहलाती हैं। एल्वियोलाई को खून की कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़े में दाखिल होती और फिर एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में जाती है। खून के सुर्ख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं? हाउ डू वी ब्रीद? हमारे फेफड़ों में मसल्स नहीं होते। सांस लेने के अमल के दौरान दो किस्म के उजलात काम करते हैं, जो कि पसलियों के इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स और गुंबद नुमा डायाफ्राम हैं। सांस लेने का अमल दो मरहल में मुकम्मल होता है। नंबर एक, सांस अंदर खींचना यानी इनहेलिंग, जब इंटरकोस्टल मसल्स हमारी पसलियों को बाहर की जानब खींचते हैं और डायाफ्राम सुकड़ता यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। इसे सांस अंदर खींचना कहते हैं। नंबर टू, सांस खारिज करना यानी एक्सहेलिंग,
जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ढीले पड़ते यानी रिलैक्स होते हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, इसे सांस खारिज करना कहते हैं। जरा सोचिए, दौड़ लगाने के बाद हमें लंबे लंबे सांस लेने का क्यों कहा जाता है? दौड़ लगाने की वजह से जिस्म में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, इस वजह से हमें लंबे और तेज सांस लेने का कहा जाता है ताकि जिस्म में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेबल करने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, अगली बार जब आप खेलेंगे तो अपने सांस लेने के अमल पर जरा गौर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।